सर दिव्या सोनी। दिव्या जी। जी सर नमस्ते सर। वेलकम दिव्या जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। 81% सेकेंडरी में, 12th में 85%, गुड। ग्रेजुएशन में 82%। बीसीए किया आपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से, और एमएससी किया आपने कंप्यूटर साइंस में, बहुत अच्छा, वेल डन। तो आप तो साइंस की विद्यार्थी हो गई। जी सर, कंप्यूटर साइंस की विद्यार्थी। कंप्यूटर साइंस की विद्यार्थी हो गई एक तरह से, है ना। तो हमारे यहाँ पर जो वैदिक मैथमेटिक्स है जी, में गणना के लिए एक सुपर कंप्यूटर माना जाता है अपने वैदिक मैथमेटिक्स को। उसमें कोई सूत्र है एक, उसका ध्यान है क्या आपको? नहीं सर अभी नहीं है, पर मैं इस बारे में पढ़ूंगी सर। अच्छी बात है। तो फिर आपसे मैं ये पूछूं कि हमारे यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं जी, एस्ट्रोनॉमर्स खगोल शास्त्री जी जी, उनमें से एक या दो के नाम बताइए, दो के बता दीजिए। सर जो हमारा इतिहास में सर आर्यभट्ट थे, वो एक खगोल शास्त्री और ज्योतिष और गणितज्ञ के रूप में थे। उसके अलावा सर भास्कराचार्य जी थे, उसके अलावा वराह मिहिर जो थे वो भी इस संबंध में काफी जानकार थे। ये जो खगोल और ज्योतिष में क्या अंतर है? सर ज्योतिष विद्या मूल रूप से जो हमारे जन्म के समय के अनुसार जो कुंडलियां बनती है, जो हमारे हाथ की लकीरों, इन संबंध में जो गणनाएं एवं जो कार्य होते हैं वो ज्योतिष के संबंध में आते हैं। वहीं जो खगोल शास्त्री जो है मूल रूप से जो प्राकृतिक घटनाएं जैसे नक्षत्र संबंधी, हाथ की लकीरों को पढ़ने के विज्ञान को ज्योतिष कहते हैं या खगोल कहते हैं, कुछ और कहते हैं सर इसको? वैसे तो सर इसकी अलग से एक शाखा है पामिस्ट्री के रूप में जो है। बहुत अच्छा, परंतु हाँ बिल्कुल यही मैं चाह रहा था कि आप ये बताएं पामिस्ट्री किसे कहते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे आपने वराहमिहिर का नाम लिया, वराहमिहिर की जो रचना है उसका क्या नाम है, एक रचना का नाम बताइए। सर माफ कीजिए अभी मैं याद नहीं, अधिक है लेकिन आप एक रचना का नाम बताइए, नहीं मालूम। अच्छा इसकी आर्यभट्ट की रचना का नाम बताइए। सर दशवक्त्र सूत्र, दश गीतिका सूत्र जो था वो इन्होंने लिखा था। भास्कराचार्य की एक कृति बताइए, आपने नाम लिया था भास्कराचार्य का। जी सर क्या बताइए? वृहद जातक एवं लघु जातक नाम से उनकी दो पुस्तकें थी, और एक सर मैं इस संबंध में पढ़ूंगी सर अभी मैं पूर्णतया श्योर। 150वीं जयंती मनाई है हमने, है ना। सॉरी सर, गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई हमने जी सर, है ना। गांधी जी को खूब प्रचार किया, गांधी जी को खूब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने याद किया, देश ने नहीं दुनिया ने याद किया, बिल्कुल सर। अखबारों में भी खूब आया। तो गांधी जी के बारे में तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यू आर आरएस एस्पिरेंट, पूछा जा सकता है ना। तो सर मैं अपने ज्ञान से जितना हो सके बताने की कोशिश करूंगी। वेरी गुड। अच्छा बताइए गांधी जी ने सत्याग्रह कहां से लिया? सर अनटू द लास्ट नामक एक पुस्तक थी जिसका राइटर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर उस पुस्तक से उनका ये शब्द और इसकी जो मेन जो उसकी मूल भावना थी वो उन्होंने उस पुस्तक से ली थी। सर ये टॉल्स्टॉय जी की पुस्तक थी अगर मैं सही हूँ। बाइबल का, न्यू टेस्टामेंट का कोई प्रभाव पड़ा क्या उन पर? न्यू टेस्टामेंट क्या है ये न्यू टेस्टामेंट? माफ करें सर इस बारे में जानकारी नहीं। सर्मन फ्रॉम द माउंटेन, नहीं सर। पर्वत से दिए गए उपदेश, नहीं सर। इसका प्रभाव गांधी जी के सत्याग्रह को के लिए पड़ा। अच्छा सत्याग्रह को पहले किस नाम से उन्होंने घोषित किया, सत्याग्रह के पहले क्या नाम दिया था इसको? सर मैं पूर्ण जानकारी पढ़ूंगी इस बारे में अभी समय नहीं पता। गांधी जी की माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई सर। अच्छा गांधी जी के पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? सर ये गुजरात के जो पोरबंदर क्षेत्र था वहां से बिलोंग करते थे। क्या करते थे वो, उनका व्यवसाय क्या था?
उनके पिताजी का व्यवसाय तो नहीं पता, पर गांधी जी स्वयं वकील थे। गांधी जी ने कुछ रचनाएं भी की, एक तो उनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके अलावा सर मैंने वही पढ़ी है, उसके अलावा तो नहीं पता। आपने पढ़ी है सत्य के साथ खोज? सर बचपन में मैंने पढ़ी थी उनकी जो आत्मकथा थी। बचपन में पढ़ी थी, अब तो भूल गई होंगी आप। सर कुछ अंश याद है पर पूर्णतया याद नहीं है सर अभी। मुझे बताइए उन्होंने प्याज चोर के नाम से किसको, उनकी उसमें बायोग्राफी में प्याज चोर किसको कहा गया? सर अभी याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर मैं। तुंगली उबो, मैंने और लोगों से भी पूछा है सवाल, अभी याद आ गया अचानक। अच्छा कबा गांधी किसे कहते थे? कबा गांधी नहीं, कबा गांधी नहीं पता सर इस बारे में नहीं मालूम। अच्छा गांधी जी सर्वोदय के बारे में विचार व्यक्त करते थे, सर्वोदय, गांधी जी का सर्वोदय क्या है? सर गांधी जी के सर्वोदय से आशय ये कि समाज के अंतिम छोर पर जो बैठा जो गरीब या जो वो व्यक्ति जो सभी सुविधाओं से वंचित है उस तक भी सभी सामाजिक जो सुविधाएं हैं विशेष रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उस तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की हर नीति उसी सोच से बनाई जानी चाहिए। आत्मक मानववाद और सर्वोदय के गांधी जी के विचारों में कोई समानता है? सर रिपीट करिए प्लीज आपका क्वेश्चन। एकात्मक मानववाद ये किसका विचार है? एकात्मक मानववाद सर मैं श्योर नहीं हूँ पर शायद ये हीगल जो दार्शनिक थे उनका विचार था एकात्मक मानववाद का। अपने हीगल का तो हीगल के बारे में बताइए, वो जो द्वंद है उसके द्वंदात्मक भौतिकवाद, हीगल का नहीं है लेकिन आपने हीगल का नाम आपने प्रश्न में से प्रश्न निकाल के दे दिया मुझे, तो आप हीगल पे बताइए द्वंदात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं? सर मैं इस संबंध में पहले पढ़ूंगी फिर पूर्ण जानकारी लूंगी, अभी पूर्ण रूप से श्योर नहीं हूं मैं। ईगल का नाम बोला तो ईगल पे प्रश्न हो गया ना, आप प्रश्न में से प्रश्न दे रही हैं मुझे, मुझे तो ध्यान में ही नहीं आता ईगल अगर आप नहीं बताती तो। पढ़ूंगी। हमारे यहाँ पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किस रूप में किस किस विचारधारा के अंदर अपनाया माना गया लिया गया है? माफ कीजिए सर एथिक्स की इतनी अच्छी जानकारी अभी नहीं है बट मैं लेने की और कोशिश करूंगी। इतिहास की एक दो बात कर ले, है ना? ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी थी, वो खत्म हो गई और उसके बाद वैदिक सभ्यता नए तरीके से विकसित हुई, क्या आप इसको सत्यमान सही मानती हैं? सर ये कथन सत्य है कि सिंधु सभ्यता थे उसके जो अधिकतर अंश थे वो खत्म हो गए थे कुछ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, परंतु एक सभ्यता पूर्ण रूप से कोई एक सभ्यता के पश्चात दूसरी सभ्यता उस सभ्यता से कुछ अंश लिए बिना शुरू नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि सर पूर्णतया तो नहीं परंतु वैदिक सभ्यता कुछ रूपों में सिंधु सभ्यता से जुड़ी थी या वहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन थे इसके। जो आधुनिक शोध हुआ है उसमें इस सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता कर दिया गया है, जिसको अधिकांश लोगों ने विश्व के विद्वानों ने भी स्वीकार तो सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहें इसको? सर मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है ना उसको सरस्वती सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया है, अधिकांश इसकी बोर्ड की पुस्तकों में भी सरस्वती सिंधु नाम आ रहा है। जी सर। ये सरस्वती को इसके साथ जोड़ना आप ठीक समझते हैं? सर जो सिंधु सभ्यता के जो जो स्थल अब तक खोजे गए हैं वो मेनली जो है सिंधु नदी के ही आसपास के क्षेत्र माने गए थे, और जो सरस्वती नदी थी वो चूंकि लुप्त हो चुकी थी इसलिए जो हमारे इस विशेष रूप से राजस्थान के जो क्षेत्र थे जो गुजरात आदि के जो क्षेत्र थे उनमें अब सरस्वती नदी का नाम साथ में जोड़ा जा रहा है, परंतु चूंकि ये लुप्त हो चुकी है तो इस संबंध में पूर्णतया ये नहीं कहा जा सकता कि किसको माना जाए, क्योंकि सिंधु अभी भी है, सिंधु नदी की अभी भी जो अस्तित्व है इसलिए उसको उससे जोड़ा जाता है। शोध हुए हैं, सैटेलाइट सर्वे हुए हैं, है ना, उन वैज्ञानिक शोध के हिसाब से डीएनए टेस्ट हुए हैं, है ना, उन सब के आधार पर ये प्रमाणित हो गया है कि लुप्त सरस्वती नदी आज भी प्रवाहमान है, बह रही है, आज भी बह रही है वो। जी सर। और उसका जो बहाव क्षेत्र है उसको भी वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध कर दिया गया है, तो इसको आपने पढ़ा नहीं?
और अधिकांश जो आपने बताया ना सिंधु नदी के किनारे मिले हैं अवशेष, वो अधिकांश अवशेष सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। अब उनमें से एक दो नाम बताइए आपकी कौन सी जगह सरस्वती नदी से रिलेटेड है। आपने भी राजस्थान का नाम बोला ना, राजस्थान में होके निकलती है। जी सर, सर जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा स्थान खोजा गया था वो सरस्वती नदी के उस उद्गम के क्षेत्र में आता है। उसके अलावा तो दृष्टवती नदी है सर, वो अभी वर्तमान की बात, लेकिन जो पुराने टाइम में जो सरस्वती नदी की यहाँ से गुजरने के जो अंश है या ऐसा मतलब जो सैटेलाइट की जैसे आपने बात की तो कहाँ से निकलने बताया सरस्वती नदी को, कहाँ से निकल सर? राजस्थान में तो श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र से। तो ओरिजिन कहाँ है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन माना जाता है। गुड, तो इस पर आप पढ़ना, ये आजकल लेटेस्ट शोध है। जरूर सर। एक आध प्रश्न इतिहास का और बताइए आप, ठीक है? भारत का संविधान, उसमें बहुत सारी चीजें ली गई, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, संसद, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ना, एकात्मकता और संघात्मकता, ये सब तो ये कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं? डेनमार्क से क्या लिया? तीन देशों का नाम बताइए जहां से हमारे संविधान ने कुछ ग्रहण किया। जी सर, सर जो हमारी न्याय प्रणाली है वो अमेरिका से ली गई है, जो हमारी संसदात्मक प्रणाली है, जो एकात्मक अनागरिकता के जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं, जो हमारे मूल अधिकार के कुछ अंश है वो आयरलैंड से भी लिए गए हैं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वो दक्षिण अफ्रीका के कुछ संविधान के कुछ हिस्सों से ली गई है। चलो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जी अतुल सर। जी दिव्या, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। नमस्ते सर। जी नमस्ते। दिव्या, पिछले 7 महीने में कहाँ कहाँ घूमी है? सर अभी तो लॉकडाउन के लिए हम घर पर ही हैं, सरकारी गाइडलाइन का उपयोग का मानते हुए हम अभी घर ही हैं सर। तो इस 7 महीने में कहीं भी नहीं घूमी? नहीं सर, इस पूरे साल में मैं कहीं नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, तो अब तो लॉकडाउन खुल गया है, अब तो सारे प्लेस भी खुल गए हैं सर। हालांकि कई जो पर्यटन स्थल हैं जैसे कि शिमला वगैरह खुल गए हैं, परंतु अभी सर यही लगता है कि घर पे रहना और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना ही सबके लिए सेफ है। अच्छा, लास्ट कहाँ गई थी आप? सर लास्ट में पिछले साल कोयम्बटूर गई थी सर, तमिलनाडु में। अच्छा अच्छा, क्या खासियत है कोयम्बटूर, बताइए कुछ उसके बारे में। सर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा जो स्थान है ये है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उद्योग की अगर बात करें तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफी अच्छी है, प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर, और राजस्थान के एक तरह से एकदम विपरीत है ये, काफी हरियाली और काफी उस तरह की चीजें मुझे देखने को मिली, रिलीजियस स्थल काफी अच्छे हैं यहाँ पर इस तरह की, और पास ही में जो एक हिल स्टेशन है ऊटी में, वहां भी गई थी तो काफी सर अच्छा लगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री राजस्थान में भी है, भीलवाड़ा काफी फेमस है। जी सर, क्या अंतर पाया दोनों में आपने, भीलवाड़ा और कोयम्बटूर? सर हालांकि मैं पूर्णतया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वहां की ऑब्जर्व नहीं कर पाई, किंतु वहां के जो मार्केट्स मैंने ऑब्जर्व करे शॉपिंग के दौरान, सर मुझे लगता है कि वहां का जो टेक्सटाइल है वो अभी भी प्राकृतिक, जो हमारा प्राकृतिक रूप से ज्यादा संचालित है, और वहां के लोग अभी भी वही फैब्रिक यूज करते हैं जो आज से लगभग 50 से 100 साल पहले यूज करते थे। अभी जो क्रेज है वहां के टेम्परेरी जो रूट्स का वो बहुत ज्यादा है, ट्रेडिशनल फैब्रिक, ट्रेडिशनल क्लोथिंग वहां पे बहुत ज्यादा चलती है। वहीं भीलवाड़ा में अब सर कहीं ना कहीं जो आधुनिक चीजें हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा अच्छा मानते हैं आप, ट्रेडिशनल या आधुनिक? सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कंज्यूमर बेसिस पे रहती है, तो जिस स्थान पे जिस तरह की मांग होगी वो उसी तरह से बनाएंगे। न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरा साउथ इंडिया ही जो है अभी भी ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं बजाय आधुनिकता के, तो सर वहां के हिसाब से तो ट्रेडिशनल सही है, लेकिन उत्तर भारत अब कुछ हिस्सों में आधुनिक चीजों को अपना रहा है, नई तकनीक के मामले में या अपने पहनावे के मामले में, तो यहाँ पे सर उन चीजों का समावेशन भी अधिक आवश्यक है यदि हमें कंज्यूमर को बनाए रखना है। तो जो आपने ड्रेस पहनी है इसे किस कैटेगरी में रखते हैं आप? सर मैं इसको सेमी ट्रेडिशनल तरीके में रखती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों परिधानों का कुछ ना कुछ मिक्सचर है, जो फैब्रिक यूज हुआ है मेरे ड्रेस बनाने में वो थोड़ा ट्रेडिशन है, कुछ कॉटन है, बल्कि कुछ सिंथेटिक भी है। ओके।
चले ठीक है, तो आपने ट्रैवलिंग नहीं की इस साल, तो दूसरी हॉबी तो जरूर पूरी की होगी, उसके लिए तो खूब मौका मिला होगा। जी सर, समय के अनुसार वही बचा था अभी करने के लिए, तो उसका उपयोग हुआ है। कौन सी वेब सीरीज देखी अभी आपने? सर मैंने अभी दिल्ली क्राइम्स देखी थी, उसके अलावा जो द टेस्ट केस थी वो भी मुझे काफी अच्छी लगी, गुल्लक देखी थी, और यही कुछ इन दिनों देखी मैंने। मिर्जापुर बड़ा चर्चा में रहता है, क्या है ये? सर वैसे ये परसों ही आई है तो मैं अब तक इसको पूरा देख नहीं पाई हूँ, परंतु ये अमेज़न प्राइम वीडियोस की एक ओरिजिनल वेब सीरीज है जो काफी चर्चा में है। सर फिलहाल मिर्जापुर फर्स्ट भी आया था ना? जी सर, ये एक सेकंड सीजन है, 2 साल पहले इसका फर्स्ट सीजन आया था। किस मुद्दे पे बेस्ड है ये? सर ये मूलतः उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र मिर्जापुर और उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक उठक पटक है उसको दर्शाता है कि वहाँ किस तरह से राजनीतिक कार्य घटनाक्रम चलते हैं, किस तरह से वहाँ पे बाहुबली या कुछ हद तक आक्रामकताएं और वहाँ का जो सामाजिक जीवन किस हिसाब से चल रहा है, उद्योग किस हिसाब से पनप रहे हैं, उन सबको दर्शाती है। जो दिल्ली क्राइम आपने बताया उसका इशू क्या था? सर जो 2012 में दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उसको हम अब तक या तो उनके पीड़ितों की दृष्टि से देखते हैं या सरकार जो कोर्ट की दृष्टि से देखते हैं, परंतु इस वेब सीरीज में उसको एक पुलिस की दृष्टि से दिखाया गया कि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से की गई थी। अच्छा अच्छा, क्या उपाय किए गए निर्भया केस के बाद हमारे देश में महिला सुरक्षा के लिए? सर ये केस एक महिला सुरक्षा के संबंध में बहुत बड़ा एक केस साबित हुआ था, और इसके बाद केंद्र सरकार ने निर्भया फंड की स्थापना की थी, जो 1,000 करोड़ का एक फंड था उस समय, जो आज 36,000 करोड़ का बन चुका है। इसी फंड का उपयोग करते हुए निर्भया जो है एक सेंटर्स लाए गए, इसके तहत अभय कमांड सेंटरों की स्थापना हुई हर डिस्ट्रिक्ट में, और वन स्टॉप सेंटर्स जिनमें महिलाओं को सभी तरह की सुविधाएं, चाहे वो पीड़ित हो या ना हो, परंतु उनको चाहे वो आवास संबंधी सुविधाएं हो, उनको आर्थिक रूप से संबल करने की हो, उनकी हर जो समस्याएं हैं उनको निपटाया जाएगा, इसलिए उनका उपयोग किया गया था, और सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। हाथरस में भी कुछ इसी तरह की घटना हुई है अभी? जी सर, अभी हाल ही में हाथरस में भी इसी तरह का एक, क्या था मैटर? सर गैंगरेप केस था ये, हाथरस जो यूपी में है वहां पे ये हुआ था। और क्या स्थिति अभी हाथरस केस की, रिसेंट स्टेटस क्या है? सर अभी कल परसों इस संबंध में एक रिपोर्ट आई थी कि ये केस समान रूप से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चल रहा है, जो कि जिसका कि खंडन किया गया कि इसको अच्छे से केवल एक ही कोर्ट में चलाया जाए ताकि इसका जल्दी और सही निर्णय ला सके, तो अभी ये केस सर फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थिति में है। ओके वेरी गुड, ई गवर्नेंस क्या होता है? सर ई गवर्नेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसका मूल उद्देश्य है कि जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं उनको तकनीक की सहायता से ऑनलाइन रूप में ग्राहकों तक यानी कि जो उसके सिटीजन है उन तक पहुंचाया जाए। एक उमंग ऐप लॉन्च किया है अभी सरकार ने कुछ दिनों पहले, क्या है ये ऐप? सर उमंग एक एकीकृत ऐप है जिसमें जो ग्राहक जो सरकारी कर्मचारी है उन तक कई तरह की सुविधाएं जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके पीएफ अकाउंट संबंधी एवं अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो इस ऐप के द्वारा उनको दी जा सकती है। केवल ये सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐप है? सर ये मुख्य रूप से उन्हीं के लिए है, परंतु जो भी गवर्नमेंट द्वारा बेनिफिशियरीज हैं, जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश ट्रांसफर के रूप में उपयोग आते हैं उनके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, परंतु मूल रूप से अभी ये सरकारी जो कर्मचारी है उनके लिए उपयोग में आ रहा है। ओके, ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर एम गवर्नेंस यानी कि मोबाइल गवर्नेंस, ये एक तरह से ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। ई गवर्नेंस एक बड़े क्षेत्र के रूप में किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक सेवा, चाहे वो आपको आपके बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे, चाहे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक वे से अपना केस FIR दर्ज करवा रहे हैं, वो सब कुछ ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आएगा। पर तो कुछ ऐसे एप्स है जो मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर द्वारा, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं तो वो एम गवर्नेंस की श्रेणी में आते हैं कि आप अपने मोबाइल से किसी भी रूप से गवर्नमेंट की किसी सेवा का किसी जानकारी का उपयोग कर रहे हैं तो वो एम गवर्नेंस की श्रेणी में आता है। ओके वेरी गुड, और एक शब्द आता है गुड गवर्नेंस। जी सर, ये क्या होता है? सर गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट का एक सिद्धांत के साथ में चलता है, जिसमें टार फॉर्मूला यानी कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीन चीजों को बढ़ाकर सरकार जो शासन है उसको एक बेहतर
उपयोग और बेहतर ढंग से जनता के सामने लाया जा सके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ललित सर जी। राजेश जी, दीपक जी नमस्ते सर, सुन पा रहे हैं? यस सर जी। कॉमर्स फील्ड से रही आप? जी सर। कंप्यूटर साइंस भी रहा आपके पास? जी सर। दोनों का आप प्रशासन में क्या उपयोग ले सकते हैं? सर हालांकि कॉमर्स को मैंने सिर्फ 12वीं कक्षा तक 2 ही साल पढ़ा था, तो उसका बहुत ज्यादा उपयोग तो मैं नहीं बता पाऊंगी, परंतु जो कंप्यूटर का तो पूर्णतया सर मैं अपने प्रशासनिक क्षेत्र में उपयोग कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि सर ने अभी कहा सुशासन की जो अवधारणा है उसमें भी तकनीक का बहुत ज्यादा उपयोग हो पाएगा। सभी जो कार्य है वो यदि ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखे होंगे तो उनमें किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की या अनैतिक आचरण की और कार्यों में ढिलाई की जो व्यवस्था है वो कम हो पाएगी। सभी कार्यों को हम एक ऑटोमेटेड फॉर्म में कर पाएंगे कि कब किसी की कोई सेवा के लिए अर्जी आई है, किसी की फाइल्स कब कहाँ तक पहुंची है। ऑनलाइन रूप से आप अपनी जैसे राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा आप किसी के भी संबंध में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, आप अपने केसेस को FIR ऑनलाइन दे सकते हैं, या सब रूपों में सर उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऑफिस ऑटोनोमस के क्षेत्र में, पॉलिसीज बनाने के क्षेत्र में सर हम डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन करना है, किस क्षेत्र को विशेष रिसोर्स की आवश्यकता है, किस विभाग को, किस वर्ग के लोगों को किस पॉलिसी के बनने से अधिक लाभ होगा, इन सब की जानकारी सर हम ऑनलाइन रूप से कर सकते हैं। 5G तकनीक 4G से बेहतर कैसे है? सर 4G जो था वो वोल्टे के सिद्धांत पर कार्य करता था, क्योंकि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसमें हम जो अपनी बात कर रहे हैं जैसे कि हम अभी भी सर वोल्टे का ही उपयोग कर रहे हैं, जहां मैं अपनी वॉइस आपको ऑनलाइन थ्रू भेज रही हूँ, इन्हीं चीजों को थोड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। जो विकिरण हमारा फोन 4G तकनीक के उपयोग से जो अधिक विकिरण करता है उसको 5G में कम किया गया, तो कम विकिरण का उपयोग करते हुए अल्ट्रा लेटेंसी रेट यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक सामान पहुंचाने की जो दर है उसको बहुत कम किया गया, तो एक बहुत फास्ट, एक पर्यावरणिक रूप से हितकारी नेटवर्क जो है वो 5G ला पाएगा। अच्छा, नुकसान क्या है 5G? सर अभी तक चूंकि ये पूर्णतया डेवलप नहीं है तो इसके नुकसानों का आकलन नहीं किया जा पाया है, परंतु जब इसका उपयोग होगा तो आई थिंक हम बेहतर रूप से बता पाएंगे। कैसे कह सकती हैं कि नुकसान का अभी आकलन नहीं हो पाया? मैंने तो सिर्फ नुकसान ही पढ़े हैं इसके अभी तक। सर मैं अधिक जानकारी के लिए इसको और पढ़ूंगी। चलिए, भारत में अभी 5G तकनीक पर कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं? सर जो जियो है वो भी काम कर रही है और एयरटेल, दोनों को भी सुना जा रहा है कि ये दोनों 5G तकनीक के रूप में शोध कर रहे हैं और अन्य देशों के साथ मिलकर टाई अप्स किए जा रहे हैं। अच्छा, भारत में अभी कनेक्टिविटी कम है जबकि चांद पर एक कंपनी ने 4G नेटवर्क प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है, कौन सी कंपनी है वो? सॉरी सर इस संबंध में जानकारी नहीं है। चलिए, स्पेक्ट्रम क्या होता है? सर स्पेक्ट्रम एक तरह से हम एक क्षेत्र को मानते हैं कि किसी भी एक टावर का या किसी भी एक नेटवर्क का कितने दूर तक कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करवा सकता है वो चीज स्पेक्ट्रम कहलाती है। अच्छा, शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी है? सर बहुत अधिक नहीं। चलिए, सामान्य सा प्रश्न, शेयर बाजार में अपन देखते हैं प्रतिदिन या एक ट्रेंड चलता है उतार चढ़ाव का, इसका मूल कारण क्या मानते हैं? सर इसका मूल कारण तो ये कि जिस कंपनी के शेयर अधिक खरीदे जाते हैं, अधिक डिमांड में रहते हैं, उसकी प्राइस बढ़ती रहती है, और जिसके ज्यादा शेयर बिकने आ जाते हैं वो थोड़ा उसका प्राइस कम हो जाती है। अच्छा, ये दलाल स्ट्रीट क्या है? दलाल स्ट्रीट सर मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, BSE की जो रोड है उसको बोलते हैं। सर स्पष्ट बोलेंगे? सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है उसकी जो जो रोड है उसको दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, जहां तक मेरी जानकारी। सड़क को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। चलिए, एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी चर्चा में रहा था, क्या है? सर वापस बोलेंगे प्लीज। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? नहीं सर इस संबंध में जानकारी नहीं। आप ये बताइए ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? ग्रीन क्रैकर्स सर चूंकि जो सामान्य पटाखे हम उपयोग में करते हैं वो पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुछ ऐसे पटाखों का इन्वेंशन एक तरह से किया गया है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए उपयोग में लिए जा सकते हैं, तो उनको ग्रीन क्रैकर्स कहा गया है। क्या मटेरियल यूज होता है इनमें?
सॉरी सर, इसकी टेक्निकलिटी के बारे में अभी तक जानकारी नहीं। ये बताइए स्वामित्व योजना जी सर लॉन्च हुई है, क्या है? स्वामित्व योजना सर मुख्य रूप से जो गांव में जो भूमि है उसका पूर्ण आकलन के लिए विशेष रूप से तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन्स के द्वारा उनका सर जमीनें जो है उनकी पूरी सीमा रेखा का आकलन किया जाएगा। लोगों को स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे ताकि जमीन संबंधी जो अधिक कार्ड दिए जाएंगे सर, एक तरह के कार्ड दिए जाएंगे पर उनका नाम शायद मैं सही नहीं बता रही हूँ अभी। चलिए संपत्ति कार्ड। ओके सर, थैंक यू, संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे सर। एक मिशन कर्म योगी अभी और शुरू हुआ था जी सर, क्या है ये मिशन कर्म योगी? सर जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी सर ट्रेनिंग संबंधी एक प्रोग्राम है जो उनमें अधिक गुण जैसे कि नवाचार संबंधी गुण, उनकी कल्पनाशीलता संबंधी जो गुण है उनको बढ़ाएगा। आई गोट एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, इनके तहत इनको जोड़ा जाएगा। ये लगभग सर 5,000 करोड़ का एक 500 करोड़ का एक मिशन सरकार द्वारा लाया गया है। अंतिम प्रश्न मेरा आपके बायोडाटा से, हॉबी से, वेब सीरीज देखना पसंद करती हैं आप? जी सर। ठीक है, भारत में अभी विरोध हो रहा है कि ये जो अश्लीलता फैलाने का बड़ा कारण माना जा रहा है, आप एक महिला हैं तो आपका क्या विचार है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? सर जो मुख्य विरोध होता है वो इस बात की वजह से होता है क्योंकि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वेब सीरीज रिलीज की जाती है वो किसी भी तरह से सार्वजनिक रूप से रेगुलेटेड नहीं है। उन पर कोई भी ऐसी संस्था कार्य नहीं करती है जो उनको रेगुलेट कर रही हो। इनका जो रेगुलेशन का दायित्व है वो OTT जो प्लेटफॉर्म है जो उनको रिलीज करता है उन्हीं को दिया गया है, जिस वजह से इनका अच्छे से रेगुलेशन नहीं हो पाता। ये किस कैटेगरी के देखने के लिए, जो फिल्मों में जिस तरह से UA कैटेगरीज दी जाती है वो इनको नहीं दी जाती है। सर मुख्य विरोध इसी बात का है। हालांकि आप जो बोल रहे हैं उससे मैं इनकार नहीं करूंगी कि ये अश्लीलता में आक्रामकता फैला रही है क्योंकि इनका पूर्ण तरह से रेगुलेशन नहीं हो रहा है। तो सर मेरा सुझाव ये होगा कि इसके लिए कोई ऐसी स्वतंत्र निकाय या कोई संस्था बनाई जाए जो, क्योंकि सर पहले इनका इतना ट्रेंड नहीं था तो अब तक चल रहा था, क्योंकि अब जिस हिसाब से इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, भारत जिस हिसाब से इस रूप में बढ़ रहा है, तो इनके लिए एक रेगुलेशन अथॉरिटी लाना अति आवश्यक होगा। जी दिव्या जी नमस्ते सर। दिव्या शब्द का क्या अर्थ है दिव्या जी? सर इसका इंग्लिश में मतलब होता है अल्टीमेट ब्रिलियंस। हिंदी में? सर यही अर्थ है इसका कि कोई ऐसा जो जिसका कोई द्वितीय न हो और जो बहुत ज्यादा एक तरह से अलौकिक हो। इसका एक आध पर्यायवाची बता पाएंगे? माफ करें सर अभी तो नहीं। आपने अपनी सर्विस प्रेफरेंस में RAS के तुरंत बाद आपने RTS बनाए? जी सर। उसके बाद आपने अकाउंट्स बनाए, ऐसा क्यों? सर यही क्षेत्र मुझे अधिक सुलभ लगे अपनी स्वयं की प्रकृति को देखते हुए और इनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए। आपकी कौन सी प्रकृति इस इन पदों को मैच करती है? सर मैं समाज के साथ कहा समाज के बीच रहकर उन्हीं के हित में कार्य करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि ये सभी क्षेत्र जो है देते हैं। हालांकि इनमें सर मेरी सर मैं RAS की जो पूर्ण परीक्षा है इसको एक पैकेज के रूप में समझती हूँ कि ये न केवल आपको एक करियर की दृढ़ता देता है बल्कि समाज के बीच रहकर कार्य करने की क्षमता देता है, आपकी आर्थिक जो भी आवश्यकता है उनको भी पूरे करता है। तो सर इन्हीं सबको मिला के मुझे लगा कि यही प्रेफरेंस मेरे लिए अच्छा है। ठीक, तो ये आप रहते हैं श्री डूंगरगढ़ में, ये क्या डूंगरगढ़? सर कस्बा है एक। नाम, नाम का कारण? सर बीकानेर के महाराजा थे डूंगर सिंह जी, उन्हीं ने इस गांव को बसाने के लिए आसपास के कुछ गांवों को के लोगों को यहां पे बसाया लाया, तो उन्हीं के नाम को सम्मान देने के लिए। बताएं कि भुजिया विश्व प्रसिद्ध है, ये बीकानेर में सर्वप्रथम कब बनाया गया? जी सर्वप्रथम ये सर हल्दीराम जी थे जो डूंगर सिंह जी के समय ही थे, इसीलिए भुजिया को डूंगर शाही भुजिया भी कहते हैं, तो उन्होंने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, अच्छा बताएं कि ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है बीकानेर में? सर जो जोड़बीड़ है क्षेत्र वहां पर सर एक मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है सर, उसी को जो है गिद्धों के लिए और
जो ईगल्स हैं, बाज हैं, उन उनकी एक तरह से स्थल माना जाता है, उनके कंजर्वेशन का भी स्थल माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पापड़, मंगोड़ी, पचकूटा, कड़ी, ये सब ज्यादा खाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? सर मूलतः जो कारण है वो भौगोलिक है, क्योंकि इस क्षेत्र में शुरू से ही पानी का, पेयजल का अभाव रहा है, और यहाँ की बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन है, गाँव में जो सर बहुत दूर दूर ऐसे गाँव बसे हुए जिनको बाजारों तक, जो बाजार है मुख्य बाजारों तक उनकी पहुंच इतनी सुलभ नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग घर की बनी चीजें या ऐसी चीजें जिनको बहुत समय तक स्टोर करके रख सके और पानी का बहुत ज्यादा उपयोग ना हो, ऐसी चीजें खाना रखना। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि बीकानेर का लिंगानुपात कितना है? सर बीकानेर का लिंगानुपात बहुत, मैं इसको कम मानती हूँ, 905 है सर अभी 1000 पुरुषों के बदले में। और राजस्थान का? सर राजस्थान का 934 है सर। और साक्षरता दर बीकानेर की? सर जो महिला साक्षरता दर है सर वो 53% है। और ओवरऑल सबकी? सर ओवरऑल 63% है सर। ये बांगड़ सर लिफ्ट नहर के बारे में बताइए। सॉरी सर, बांगड़ सर लिफ्ट नहर? बांगड़ सर, सर इस संबंध में कभी सुना नहीं है मैंने। ठीक है, ये बताएं टेस्टिटोरी के बारे में बताइए। सर एलपी टेस्टिटोरी थे वो एक इटली के जो है साहित्य से संबंध रखने वाले थे, और वो बीकानेर में उन्होंने काफी शोध कार्य किए, विशेष रूप से जो पृथ्वीराज राठौड़ थे यहाँ के राजघराने की, उनकी जो कृतियां थी साहित्य के क्षेत्र में, वेल्ली कृष्ण रुक्मणि की, गंगा लहरी वगैरह, उनका इन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया, और उनकी जो एक तरह से समाधि या एक तरह से उनकी छतरी है वो भी बीकानेर में ही बनी। इनकी कोई पुस्तक? माफ करो सर अभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। अच्छा बताए कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य सर किसी व्यक्ति के, माफ करिए सर अभी इसकी डेफिनेशन नहीं है। सत्य निष्ठा के बारे में बताइए। सर मन, कर्म और वचन से आप किसी किसी भी कार्य कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से जो कार्य करते हैं उसको हम उस भावना को सत्य निष्ठा कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन आज का, के संतानम समिति के बारे में सुना है आपने? जी सर। बताएं। सर ये पंचायती राज, सर ये सॉरी सर मैं पूर्णतया श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। ठीक है, ठीक है जी। उपाध्याय सर। हाँ दिव्या जी। जी सर। I am really very much impressed by your personality and your personal interview. You have a proper confidence and बहुत धैर्य से आपने जवाब दिए। आपकी अभिव्यक्ति भी ठीक है, आपकी जवाबों में, आपकी भाषा में थोड़ी पॉजिटिविटी भी है। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अबाउट 80+ है। ठीक है, बिकॉज 80+ क्यों है ये इन कारणों से जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए 20% हैं वो कई जैसे न्यूज़पेपर से संबंधित, कई जीके और करंट अफेयर से संबंधित कुछ सवाल थे, कुछ कॉन्सेप्ट और इथिक्स से संबंधित सवाल थे जैसे कर्तव्य का ही है ना, इस तरह के जवाब आपको नहीं आ पाए। बाकी आप बरगढ़ के बारे में, बीकानेर की भुजिया के बारे में, अलीज राम के परिवार के बारे में सारी जानकारी है। तो कुल मिलाकर योर परफॉर्मेंस इज 80+, वेरी गुड, बट यू हैव टू प्रिपेयर मोर, यू हैव टू गो थ्रू दी गुड वन और टू गुड मैगजीन्स अबाउट करियर कॉम्पिटिशन, वेदर इट इज इन इंग्लिश और इन हिंदी, है ना। कुछ आप थोड़ा सा और तैयारी करें और थोड़ा गांधी जी के बारे में जाने, गांधी जी की 150वीं जयंती निकली है, एक वाकणकर जी हुए थे जिन्होंने सरस्वती को ढूंढा, सरस्वती नदी को ढूंढा था, है ना, उनके बारे में जानकारी करें। और सरस्वती नदी तो बहुत पहले लुप्त हो गई थी लेकिन शोध हुआ है वापस और साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि ये नदी अभी भी अंतः सलीला जमीन के नीचे बहती हुई और वहां तक शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर और गुजरात के में जाकर मिलती है, कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है। अभी पूरा उसका जो प्रवाह मार्ग है वो तय हो गया है ना। वाकणकर जी को पढ़े हम सर, जरूर मैं इस बारे में अच्छे से पढ़ूंगा। वाकणकर जी को जरूर पढ़े हम। और बाकी तो आपने एमसीए किया है तो एमसीए से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं।
आई थिंक यू विल बी बेटर यू विल बी इन बेटर पोजीशन इन कंप्यूटर एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल द बेस्ट यू विल बी सिलेक्टेड ठीक है हम आएंगे दैट मींस अ लॉट सर आपके ऑफिस में आएंगे तो आप उनको क्या ट्रीट करेंगे सर मैं सेलेक्ट होती सबसे आपके पास खुद ही आ जाऊंगी सर एक बार गुड लक बेटा जी अतुल सर जी बिल्कुल बिल्कुल मैं सर से पूरी तरह सहमत हूँ मेरी तरफ से भी आप सिलेक्टेड हैं आपको प्रॉपर आरएएस बनना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छा वेरी गुड बस कीप इट अप इसको बनाए रखिए पढ़ाई कीजिए उसका तो खैर और अपने आप को बेहतर करने का कोई ऐसा नहीं है तो और बेहतर कीजिए लेकिन बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए खूब अच्छा है जी राजेश सर जी दिव्या जी काफी संतुष्ट उत्तर दिए हैं आपने धैर्य और जो एक व्यक्तित्व होता है प्रशासनिक अधिकारी का वो आपके व्यक्तित्व में देखने को मिला हमें मेरा यही कहना है कि अपने बायोडेटा से जितने प्रश्न और बन सकते हैं ठीक है वैसे तो आपको एक दो मौका और देने चाहिए ठीक है फिर भी आपके अनुसार जो भी आपके बायोडेटा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं या करंट अफेयर्स है या जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ किसी भी सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट रहा है एमसीए वगैरह ठीक है और बीसीए एमसीए सॉरी एमएससी इसके अलावा आप देखिए जहां पर भी आपको लगती है कि यहाँ पर कमी है उसको फाइनल टच दीजिए अपनी तैयारी और सुधार करते रहिए अभी जहां तक समय है उसका सदुपयोग कीजिए ठीक है और अगर और मॉक इंटरव्यू देना चाहे तो स्वागत है आपका बिल्कुल सर जी दिव्या जी शैली अच्छी है शब्द चयन भी बढ़िया है और भाषा प्रवाह भी अच्छा है बस थोड़ा ज्ञान पक्ष में जाएंगे तो और तैयार करने की आवश्यकता है आप साइंस फील्ड से हो तो प्राचीन और मध्यकाल के जो वैज्ञानिक हैं और उनकी कृतियां वो आपको पता होनी चाहिए गांधी जी के बारे में थोड़ा और पढ़ें जी सर करंट इतिहास संविधान क्षेत्रीय राजस्थान राजस्थान जी के इत्यादि थोड़ा और बेहतर बनाए वैसे अच्छा है पर और इसको बेहतर बनाने की आवश्यकता है ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रहा है आज का और आपको बहुत शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट थैंक यू ठीक है ओके गुड लक जी सर थैंक यू उपाध्याय सर अतुल सर बाय बाय सर वापस अपना ट्यूजडे को रखते हैं मंडे ऑफ रहेगा हाँ यार मंडे थोड़ा मैं बिजी हूँ मंडे सर बिजी है उपाध्याय सर तो पूरा दिन 35 कैंडिडेट हैं 35 जी पता नहीं क्या न्याय कर पाएंगे मुझे नहीं पता 35 कैंडिडेट हैं तो सुबह शुरू होगा शाम तक चलेगा इसलिए मैंने कहा मंडे का आपसे ऑफ ही ले लें तो ठीक है जी जी सर ठीक है सर बाय बाय जी जी अतुल सर फिर मंगलवार को रखते हैं जी जी नमस्ते जी सर थैंक यू सर राइट